बचपन में हमारे गांव के रिश्तेदार लाहौर देखने आया करते थे, और ये कुछ 70 बरस पेशतर की बात है, और लाहौर देखना कोई आसान काम नहीं था। दूर दराज के गांव थे, पहले घोड़ियों पर सवार होते, फिर टांगों पर सवार होते, फिर जाके स्टेशन पे गाड़ी का इंतज़ार करते, तो बहुत कम लोगों ने लाहौर देखा होता था। और जो आते थे वो 3 फरमाइशें करते थे, मुझे अब तक याद है। पहले वो ठंडी सड़क देखना चाहते थे, ठंडी सड़क माल रोड, आज की शाहरा कायद आज़म। और मैं गवाह हूँ कि उन दिनों यानी 70 बरस पेशतर वहाँ कॉरपोरेशन की एक गाड़ी आती थी और वो आके तो वहाँ छिड़काव करती थी, और उसके साइड में बगीचे थे छोटे छोटे, वहाँ बहिश्ती जो है मशकीरों से पानी दे रहे होते थे, इसलिए ये ठंडी सड़क कहलाती थी। ख़वातीन हज़रात, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ कारवां सराय में। अभी अभी मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो देहाती हमारे यहाँ आते थे तो उनकी पहली चॉइस होती थी ठंडी सड़क देखना, और दूसरी चॉइस जो होती थी वो चिड़ियाघर देखना था, जिसको वो चिड़ीघर कहते थे। और ये भी ऑब्वियसली उनके लिए बहुत दिलचस्पी का एक मुकाम था, क्योंकि जंगली जानवर जो हैं वो गांव में कहाँ होते हैं, शहरों में तो हो जाते हैं, लेकिन गांव में तो उन्होंने अफ्रीकी और मतलब एक साउथ अमेरिका के जानवर नहीं देखे होते, तो इसलिए उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन सबसे जो अमेजिंग बात थी कि उनकी जो तीसरी चॉइस थी वो हमेशा कहते थे एक अजायब घर देखना है, अजायब घर। और ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो अनपढ़ देहाती जो है वो क्यों इतने अवेयर थे कि वो अजायब घर देखना चाहते थे। और ये अजायब घर वही है, लाहौर का अजायब घर, जिसके सामने जमजमा गन है, और रिडयार्ड किपलिंग का जो नावल है उसका मरकजी किरदार किम वहाँ बैठा होता है। उसके नावल का पहला फिक्र ही है कि किम वॉज सिटिंग ऑन द जमजमा गन अपोजिट द लाहौर अजायब घर। तो अजायब घर जो हैं उनका क्या ऐसा है कि जो पुराने लोग थे, जो अनपढ़ थे, कुछ भी नहीं जानते थे, वो अवेयर थे कि हमें अपने कल्चर के बारे में जानना चाहिए, अपनी तारीख के बारे में जानना चाहिए, जिस धरती पे हम सांस लेते हैं उस धरती की तारीख से हमें आगाह होना चाहिए। जबकि इन दिनों जो लोग लाहौर आते हैं मुख्तलिफ शहरों से, उनकी फरमाइश क्या होती है कि बेहतरीन फालूदा कहाँ मिलता है, फूड स्ट्रीट कहाँ है, एम एम आलम रोड कहाँ है, और पल्ले पकौड़ियाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये क्या है कि 70 साल पहले वाला जो अनपढ़ देहाती है वो ज़्यादा अवेयर था, उसका ज़्यादा अच्छा ज़ौक़े जमाल था हमसे, और हम डिटेरियोरेट कर गए। हम आगाह ही नहीं है कि म्यूज़ियम्स की क्या अहमियत है। ये एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल जो बजट होते हैं उनमें म्यूज़ियम्स का हिस्सा होना चाहिए। ये बड़ी मेजर एक इंफॉर्मेशन और एक आगाही की जगह है, और वो हमारे यहाँ कम कम है। अब मैं आपको लिए चलता न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। वहाँ पे एक दीवार है, दीवार के ऊपर एक 1500-1600 साल पुराने दरख्त का तना जो है, यानी तने का एक हिस्सा जो गुलाई में है, वो वहाँ पे आवेज़ा किया गया। आप जानिए कि जो दरख्त हैं वो अपनी उम्र का हिसाब रखते हैं, हर बरस एक दायरा बढ़ जाता है उनमें, तो आप काउंट कर सकते हैं कि कौन सा दरख्त कितना पुराना है। और मेरी आंखें किस चीज़ की तलाश में, मेरी आंखें तलाश में थी कि 1400 बरस पेशतर वो दायरा कहाँ है जब रसूलुल्लाह सल्लम की पैदाइश हुई। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम वो बात थी, लेकिन वहाँ उसका कोई निशान नहीं था। वहाँ अमेरिकन जंगें थी, यूरोप के जो मशहूर लोग थे उनके नाम थे कि कब वो पैदा हुए और कौन कौन सी जंगें उन्होंने लड़ी, कौन कौन सी जगहों पे वो गए, सिविल वार जो उनकी थी उसके निशान थे। हमारा कोई हवाला नहीं था, इसलिए कि ये उनका म्यूज़ियम था और उनकी हिस्ट्री बयान करता था। हम जब कल को अगर म्यूज़ियम बनाएं तो हम भी ये कर सकते हैं। म्यूज़ियम्स के हवाले से जब मैंने बात शुरू की है तो मैं अर्ज़ करता चलूं कि इस प्रोग्राम का बुनियादी ख्याल मुझे न्यूयॉर्क के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम के बाहर आया। मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे हैं 30-40, उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। उस म्यूज़ियम में उस दरख्त के तने के अलावा स्पेस के अलहदा सेक्शन हैं, समंदरों के अलहदा सेक्शन हैं, पुराने जो कल्चर हैं उनके अलहदा सेक्शन हैं,
रिलीजन्स के अलहदा सेक्शन है और मैं इस्लाम के सेक्शन में गया हूँ, वहाँ पर अजान गूंज रही थी। और यकीन कीजिए कि मैंने बहुत सारी हकायक वहाँ से हासिल किए। गोरे बेईमान तो हैं लेकिन इतने बेईमान नहीं हैं कि अपने म्यूजियम्स में बेईमानी करें। चुनांचे इस्लाम का बहुत दरख्शां जो पहलू है वहाँ पे उजागर किया गया। इसी तरह वहाँ पे एक घोड़े का है ढांचा, करोड़ों साल पुराना, और वो लंबूतरा है। कैन यू इमेजिन कि घोड़े लंबूतरे हुआ करते थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इर्तका की मंजिलें तय करते उस कुदरत के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड थी वो इस साइज़ में हो गए। इसी तरह परिंदे हैं पुरानी जो उनके ढांचे हैं, या एंट्री पे ही डायनासोर्स का ढांचा है। तो मुझे ख्याल क्यों आया, 4-5 घंटे के बाद जब वो बच्चे बाहर आए तो वो अपने पास्ट के मुख्तलिफ जो रिलीजन्स हैं उनके बारे में, मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं उनके बारे में इतने आगाह थे कि हमारा कोई बीए एमए पास लड़का भी नहीं हो सकता। यानी 6 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वो तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली जो हम किताबों से हासिल करते हैं, जो हम टीचर्स से हासिल करते हैं, और यूँ उनके आम बच्चे जो हैं वो जीनियस हो जाते हैं। और हमारे जो जीनियस बच्चे हैं इसलिए आम हो जाते हैं कि उनके पास वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अच्छा, ये जो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, ये एक ऐसी सड़क पर वाक़ है जिसको म्यूज़ियम माइल कहा जाता है, और उस पर दर्जनों म्यूज़ियम्स हैं। एक गोगनहाइम म्यूज़ियम है पेचदार दादारियों वाला, उसके बाद ज्यूश म्यूज़ियम है, इसी तरह बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं। लेकिन उनमें अहम तरीन जो म्यूज़ियम है मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम है, जहाँ पे मैंने बहुत वक्त गुजारा। अगर टोटल वक्त उसको कैलकुलेट किया जाए तो मेरा ख्याल 20 दिन बनते हैं, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ जहान था। जिस जहान में चले जाइए, मिस्र में चले जाइए, पुराने मतलब कि बेबीलोन में चले जाइए, और आप वहाँ पे खो जाते हैं। और उसका अगेन सबसे जो इंटरेस्टिंग सेक्शन मेरे लिए था वो इस्लामिक सेक्शन था, और ऐसे ऐसे नवादर थे वहाँ पे, कुरान पाक के ऐसे ऐसे नुस्खे थे कि आप दंग रह जाते हैं उनको देख के। और बाकी पेंटिंग्स वगैरह तो हैं। अच्छा ख़वातीन हज़रात, मेरा ख्याल है कि ज़रा सा डल मौजू है म्यूज़ियम्स, तो इसको ज़रा लाइट कर देते हैं मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम के हवाले से, उसके पहलू में एक कॉफ़ी बार। तो मैं अक्सर जब थक जाता था तो वहाँ जाके तो ज़रा रिलैक्स करता था और कॉफ़ी का एक कप पीता था। तो उस रोज़ गर्मी बहुत थी, तो मैं बैठा तो मैंने अपनी जैकेट उतार के, नज़दीक ही कोई बकरी सी चीज़ थी बनी हुई, तो मैंने कहा शायद इसलिए कि यहाँ पे कोई चीज़ टांग दी जाए, तो मैंने अपनी जैकेट वहाँ टांग दी और कॉफ़ी पीने लगा। इस दौरान मैंने नोट किया कि कुछ लोग आते हैं और मुझे घूर के चले जाते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं फॉरेनर हूँ या क्या है। उसके बाद एक बूढ़ी अम्मा आई और आके मुझे कहने लगी, यंग मैन आई वॉन्ट टू सी पिकासोज गोट, मैं पिकासो की बकरी देखना चाहती। मैंने कहा बीबी मेरे पास तो नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता कि पिकासो बकरियाँ भी रखता था, तो मतलब किस किस्म की बकरी। तो कहने लगी कि ये जहाँ पे तुमने अपनी जैकेट टांगी हुई है ये पिकासो की बकरी है, और ये ओरिजिनल पिकासो का स्कल्पचर है, और ये करोड़ों डॉलर का है, और आपने वहाँ पे अपनी जैकेट लटका रखी है। यकीन कीजिए बहुत शर्मिंदगी हुई कि लोग क्या समझेंगे कि इन्होंने पिकासो की बकरी की इज्जत नहीं की। मुझे जहाँ अजनबी शहरों में जो तारीखी आसार हैं उनको देखने का शौक़ है, जो अजायब घर हैं उनको भी देखने का शौक़ है, ख़ास तौर पे अजायब घर यानी म्यूज़ियम जो होते हैं वो रूह होती हैं किसी भी एक शहर की। आप उस शहर को कल्चर के हवाले से, तारीख के हवाले से जान ही नहीं सकते अगर आप उस शहर का कोई म्यूज़ियम नहीं देखते। चुनांचे प्राडो म्यूज़ियम है मैड्रिड का, जिसमें गोया की पेंटिंग्स लगी हुई हैं और गोया की ड्राइंग्स हैं जो वॉर के अगेंस्ट है। मैं मुख्तसर बयान करूँगा। राइक म्यूज़ियम है एम्स्टरडैम का, जहाँ पे रेमब्रांड की सबसे बड़ी जो कहा जाता है कि ये पेंटिंग है नाइट वॉच, वो अवेज है। इसी तरह बर्लिन में एक बहुत अहम म्यूज़ियम, और वहाँ पे आप यकीन करें कि शहर बाबल जो था, द मिथिकल बेबीलोन, और जहाँ के हैंगिंग गार्डन्स भी मशहूर थे, और जहाँ वो कमबख्त अलेक्जेंडर यहाँ से ज़ख्मी होकर गया था और वहाँ पे मर गया था,
उस शहर का ओरिजिनल दरवाज़ा इश्तर गेट, 4000 साल पुराना, वो अपनी पूरी शान से वहाँ खड़ा उस म्यूज़ियम में, और उसके पास बाबल शहर की जो दीवारें हैं वो उसके पास इर्द गिर्द है और मुनक्कश ईंटों से बना हुआ, और आप यकीन नहीं कर सकते कि ये आज से 4000 साल पुरानी एक चीज़ है। वर्क ऑफ आर्ट नहीं उन्हें कहना चाहिए, वो एक मतलब है कि एक क्रिएटिव मौजज़ा है। और वो कैसे वहाँ पे पहुँचा, 1935 में जर्मन जो थे वो खुदाई कर रहे थे मेसोपोटामिया में, इराक, और वहाँ से बाबुल शहर की भी खुदाई हो रही थी, तो वहाँ इन्हें बहुत सारे टुकड़े मिले जो इश्तर गेट के थे, और वो हज़ारों की तादाद में, वो मलबे की सूरत पड़े हुए थे, ये उनको उठा ले आए, और फिर 10 साल की मेहनत के बाद उसे फिर रीबिल्ड किया, और आज वो उसी हालत में वहाँ खड़ा है बर्लिन में। और मेरा ख्याल है कि अपनी ज़िंदगी में जो मैंने सबसे ज़्यादा मुतासर कुन आसार देखे हैं उनमें वो इश्तर गेट है बाबुल का। उसी म्यूज़ियम में बनो मैया के एक पैलेस की पूरी दीवार है, वो पता नहीं वहाँ कैसे ले आए हैं, वो दीवार पे वहाँ पे खड़ी है। इसी तरह और म्यूज़ियम भी हैं, अब मैं उनकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन कहा जाता है कि सबसे मशहूर म्यूज़ियम जो है यूरोप का, टेट गैलरी भी है ऑब्वियसली लंदन की, वो है लूवर, जिसको लूव कहते हैं, हमें तो वो प्रोनाउंस नहीं करना आता, मेरी जो फ्रेंच है वो फर्स्ट ईयर में भी फेल हो गई थी, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया तो बहुत शौक हुआ कि फ्रांसीसी सीखी जाए, और उसकी एक वजह ये थी कि वो टीचर भी फ्रेंच खातून थी जो एक पाकिस्तानी प्रोफेसर की अहलिया थी। तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने जब वो हल्क से कहा कि टेबल को ला काबुल वगैरह कहते हैं यू नो, वो अब हम लाहौरियों से आज़ाद नहीं हुआ, 2-3 दिन फ्रेंच सीखी, तो मेरी फ्रेंच बड़ी कमज़ोर, तो वो लूव कहते हैं लेकिन मैं उसको लूवर ही कहता हूँ। तो लूवर म्यूज़ियम बहुत मशहूर है मोनालिसा की वजह से, लेकिन मैं वहाँ पे ख़ास तौर पे गया क्योंकि वहाँ पे वीनस डी मिलो है, उसका मुजस्मा है, यानी अपाहज वीनस जो है वो एक पूरे कमरे में उसको आवेजा किया गया, और क्या ही शानदार वो मुजस्मा है। मेरा ख़्याल है कि अगर उसके इश्क में इंसान मुब्तला हो जाए तो उसको दोष नहीं दिया जा सकता। मिलो एक जजीरा था जहाँ पे एक बुतराश था, उसने वीनस का एक मुजस्मा तराशा, और इस तरह तराशा कि वो समंदर में से निकल रही है, एक हाथ में सेब है दूसरे से अपना वो उसने दामन जो है थाम रखा है। और तब बादशाह वक्त को इतला हुई कि वहाँ पे एक ऐसा मुजस्मा है, यूँ लगता है कि जैसे वीनस जो है समंदर से सचमुच बाहर आ गई। तो उसने मिलो के जजीरे वालों को कहा कि ये मुझे दे दें वरना मैं आप पे हमला कर दूंगा, तो वो देना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उसकी प्रस्तुति भी करते थे। उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि अगर हम इसको तोड़ दें तो वो इसको ले कर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने उसके दोनों बाजू से काट दिए और समंदर में फेंक दिए, लेकिन बादशाह साहब फिर भी वो मुजस्मा उठा के ले गए। अब हर 2-4 साल के बाद कोशिश होती है कि मिलो जो है जजीरा उसके इर्द गिर्द लोग मतलब एक्सपीडिशन जाती हैं कि वीनस के वो खोए हुए बाजू मिल जाए और उसको दोबारा जोड़ दिया जाए, जबकि मैं ये समझता हूँ कि वीनस जो है उसकी हमें आदत हो चुकी है उसके अपाहजपन की, उसका हुसन ही इसी में, अगर बाजू लग जाएंगे तो शायद वो इतनी हसीन हमें ना लगे। अब मोनालिसा जो मतलब उसकी अपनी एक हिस्ट्री, जब हम गए थे तो वो तो अकेली माँ थी एक कमरे में और हम अकेले थे, उसको देखा वेखा तो हम तो मुतासर नहीं हुए, एक मोटी सी औरत थी यूँ करके बैठी हुई, और कहते हैं कि मुस्कुराहट बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यकीन कीजिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा पुरकशिश मुस्कुराहटें देखी। अब मुझे बार बार एहसास हो रहा है कि मैं बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही, तो कुछ दिलचस्प जो म्यूज़ियम है दुनिया भर में उनका तذکرہ हो जाए। उसमें एक तो एम्स्टरडैम में है वोडका म्यूज़ियम, मेरा मतलब है कि ज़ाहिर के म्यूज़ियम है, हमने वहाँ कहाँ जाना था, वो तो वैसे ही वो मतलब जाते कोई बाहर निकलते देखते थे तो बड़ी प्रॉब्लम होती, तो बहरहाल वो म्यूज़ियम है छोड़े पड़े उसके। और दूसरा जो बहुत अहम म्यूज़ियम है वो है ममी म्यूज़ियम, ये मेक्सिको में, और ममीज़ आप जानते हैं कि मिस्र में भी बनाई जाती थी, सेंट्रल एशिया में भी बनाई जाती थी, बल्कि जब मैं काशगर गया हूँ तो वहाँ के म्यूज़ियम में सबसे ज़्यादा प्रिजर्व्ड हालत में ममीज़ जो है वहाँ है, क्योंकि ममी को प्रिजर्व करने के लिए रेत चाहिए,
यानी हमारी जो मिट्टी है उसमें गल जाती है लाश या बाकी चीज़ें, रेत में महफूज रहती है। चुनाचे ये जो ममी म्यूज़ियम है इसमें ममीज़ को बहुत आसाइश से और मतलब कंफर्ट से और आराम से रखा गया और मतलब बहुत वास्ट उनकी कलेक्शन है वहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे शफीकुर रहमान साहब याद आते हैं। शफीकुर रहमान साहब का एक सफ़रनामा है चार दरिया, उनमें चार दरिया हैं, डैन्यूब है, दरिया फरात है, दजला है और नील है। तो नील में फिरौनों की तहजीब के हवाले से वो लिखते हैं, कहते हैं कि उस ज़माने में जब वो दावत करते थे किसी मेहमान की, बड़ी पुरतकल्लफ दावत होती थी, तो वो मेज़ सजा दी जाती थी लेकिन खाने से पहले उनके सामने एक ममी लाई जाती थी और कहा जाता था कि ये देखिए 1000 साल पहले ये शख्स फौत हो गया और अब इसकी हालत देखिए, आपकी हालत भी ऐसी होनी है, तो इसलिए उस वक्त को याद कीजिए और पेट भर के खाइए, ऐश कीजिए। अब जाहिर है कि उसके बाद कितनी भूख बाकी रह जाती होगी अगर आप एक ममी देख लें। शफीक साहब का कहना है कि ये फिरौन जानबूझ कर करते थे ताकि खुराक का वो बचाव हो। एक और म्यूज़ियम जो है वो फेयरबैंक अलास्का। अच्छा, वो फेयरबैंक जो था वो बहुत ही डल किस्म का एक था कस्बा, और वहाँ से वो आर्कटिक सर्कल था कुछ 40-45 किलोमीटर दूर, और वो भी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी कि भाई एक जगह पहुँचे हैं वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि आर्कटिक सर्कल यहाँ पे है। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे इंटरेस्ट की वहाँ एक कुत्ता म्यूज़ियम है, जी हाँ, डॉग म्यूज़ियम। और डॉग म्यूज़ियम जो है वहाँ पे आप जानते हैं कि भाई ये होती है हस्की जो डॉग्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, उनकी आंखें जो होती हैं वो मतलब शोरे राय की आंखें क्या होगी जो हस्की डॉग की कभी गौर से देखिएगा, और बहुत प्यारी चीज़। तो वो उनके कुत्ता दौड़ में हिस्सा लेते हैं बर्फानी दौड़ में। तो उस म्यूज़ियम में जितने भी चैम्पियन डॉग्स थे जिन्होंने चैम्पियन रेसेस में हिस्सा लिया उनकी तस्वीरें आवेदन थी और जो तमगे उनको दिए गए, उनके फिर शूज़ वहाँ पे थे, उनकी तारीख वहाँ दर्ज थी, यानी पूरी कुत्ता तारीख वहाँ पे दर्ज थी। तो उनके जो क्यूरेटर थे वो बहुत मतलब मुझे देख के ज़रा परेशान से हुए, कहने लगे कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से वहाँ लोग कम जाते हैं और अगर जाते भी हैं तो कुत्ता म्यूज़ियम तो नहीं देखने जाते। तो मैंने कहा कि जी ये जो म्यूज़ियम मैंने आपका देखा है बहुत मुझे इंटरेस्ट हुई है इससे, लेकिन हमारे जो शायरों ने कुत्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा शायरी की है और जितनी तौसीफ हमारी शायरी में है कुत्तों की और किसी शायरी में नहीं। मैंने कहा कि मसलन हमारा सबसे बड़ा जो हमारे खित्ते का शायर है बुल्ले शाह, उसकी एक नज़्म है कि कुत्ते तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे पावें 500-100 जुते ते बाजी लै गए कुत्ते। मुझे जितने बंद याद थे मैंने उनको लिखा, अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया एंड ही वॉज अमेज्ड, क्योंकि जाहिर है कि ये कलाम जो है तो मार्फत का कलाम लेकिन बहुत अफेक्टिव है। तो मैंने कहा कि मेरी दरख्वास्त ये कि इसको म्यूज़ियम के बाहर या अंदर कहीं आवेदन कर दिया जाए और ये लिखा जाए कि ये पाकिस्तानी शायर का है। तो आप में से अगर कोई अलास्का जाता है तो उस कुत्ता म्यूज़ियम में जाए और देखे कि क्या बुल्ले शाह का कलाम वहाँ पे आवेज़ा है या नहीं है। अच्छा, माया सिविलाइजेशन के बारे में आप जानते हैं साउथ अमेरिका की? तो वहाँ पे साउथ अमेरिका में कोलंबिया में मेरा ख्याल एक सोने का म्यूज़ियम है जहाँ प्योर गोल्ड है, क्योंकि माया सिविलाइजेशन जो है वो जानी जाती है अपने प्योर गोल्ड के जेवरात से और जो है खोद है और जो नकाब है उनके हवाले से। और आपको पता होगा कि जब स्पेनिश ने इन इलाकों पे ज़ुल्म व सितम की इंतहा की, ये आम थे वो बेचारे अनआम भी थे और वो पीसफुल लोग थे, उनको फौज की ज़रूरत ही नहीं थी। जिस तरह आपको मैं याद दिलाऊं कि मौजूदारों में कोई भी हथियार जो है जंग का नहीं मिला, ये भी पीसफुल लोग थे ताकि मतलब उनको ज़रूरत नहीं थी उसकी, इसीलिए वो ज़ेर हो गए बाद में जो भी बाहर से इन्वेडर्स आए। तो ये जब स्पेनिश वहाँ पे पहुँची हैं तो वहाँ पे गोल्ड की अफराद थी, तो उन्होंने उसके बादशाह को पकड़ लिया और बाशिंदों को कहा कि जब तक एक बहुत बड़ा कमरा था इसको आप सोने से नहीं भर दोगे हम आपके बादशाह को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने
पूरी सल्तनत बहुत बड़ी सी, चूल्हों और से सारे घरों से ये वो सोना इकट्ठा किया, मुश्किल से एक कमरा भरा। अब स्पेनियर्ड्स का लालच ये था, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने एक कमरा भर दिया तो दूसरा भी भर सकते हैं। उन्होंने कहा दूसरा भी भरें, वो उनसे भरा नहीं गया और दैट किंग वॉज मर्डर्ड। अब इन दिनों जंगी क्राइम का कोई मुकदमा नहीं चलता था, इन दिनों भी नहीं चलता, ना गजा के लिए चलता है, ना सीरिया के लिए, ना इराक के लिए, अलबत्ता यूक्रेन के लिए वो जंगी क्राइम के मुकदमे चलेंगे, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है बहुत जुल्म हो रहा है। ख़वातीन हज़रात, मेरे लिए जितने भी आज तक मैंने म्यूज़ियम देखे, सबसे मुअस्सर जो म्यूज़ियम था, मतलब एक हैबत तारी हो जाती है जिसके अंदर जाते हुए, वो शियान के शहर में था। शियान जो है वो कल्चरल कैपिटल ऑफ चाइना कहलाता है, और वहाँ जो मस्जिद है ख़ास तौर पर 700-800 साल पुरानी, वो देखने के लायक है। और शियान से तकरीबन 30-40 किलोमीटर के फासले पर टेराकोटा आर्मी म्यूज़ियम, यानी मिट्टी के सिपाहियों का म्यूज़ियम। अब ये मिट्टी के सिपाहियों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अर्ज कर दूँ, इनको दुनिया की 7 अजायबात में अब वो शुमार होते हैं, टेराकोटा आर्मी जो है। कि वहाँ पे एक किसान जो था दहकान, वो खेत के लिए खुदाई कर रहा था, तो वो एक सर बरामद हुआ, तो वो ले गया बाज़ार में एक बेचने के लिए। एक दो सर और बरामद हुए, उसने वो बेचे, और फिर हुकूमत को खबर हो गई कि भाई ये कहाँ से आते हैं, तो दहकान ने कहा पे यहाँ से आते हैं, तो वहाँ खुदाई शुरू हुई। खौदीनों ज़रा, तो वहाँ से 10,000 फौजी मुजस्मे निकले, टेराकोटा के बने हुए, मिट्टी के बने हुए, यानी मिट्टी से वो जो है भट्टी में तैयार करते हैं। और ये वो कोई जो बादशाह था, उसका ख्याल था कि अगली दुनिया में सारा कुछ मैं साथ लेके जाऊंगा, लेकिन ये आर्मी बड़ी लॉयल है, हालांकि आर्मी कभी भी लॉयल नहीं होती, लेकिन उसने कहा कि इसी आर्मी को मैं साथ लेना लेकर जाना चाहता हूँ। चुनाचे हर सोल्जर जो था उसका मुजस्मा अलहदा तैयार हुआ, ये नहीं कि कोई एक सांचा बनाया और उन्होंने वो 10-15 हज़ार सिपाही जो डाल दिए, नहीं, हर एक के अलहदा अलहदा हुए, और उनको उसने अपने मकबरे में अपने साथ दफन किया। अब वो जो टेराकोटा म्यूज़ियम है, आप वहाँ पर जाएँ और वो पूरा ढका हुआ है, वो जितनी जगह खुदाई की गई थी ना, उस सारी को उन्होंने ढक दिया हुआ है ताकि मौसमों के अज़ाब से वो बचे। और आप वहाँ पे गैलरीज में से होते हुए मुख्तलिफ, मतलब हर चेहरे को आपने देखना है, और उसके ऊपर एक्सप्रेशन है, जो जनरल्स हैं उनके एक्सप्रेशन अलहदा हैं, जो आम फौजी हैं उनके अलहदा एक्सप्रेशन है। और फिर वहाँ पर एक बग्घी है गोल्डन, उसके टुकड़े मिले थे, और उसको भी ईस्टर गेट जिस तरह जोड़ा गया, इस तरह इस बग्घी को जोड़ा गया, और वो आज से 4-5 हज़ार साल पुरानी बग्घी है, और उसके उसी तरह ही वो घोड़े बनाए गए हैं, और उसी तरह ये वो बादशाह की बग्घी है, वो भी देखने के लायक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि टेराकोटा म्यूज़ियम के बाहर ज़ाहिर है कि बहुत सारी दुकानें हैंडीक्राफ्ट की और वो जो सोवनियर्स वगैरह भी, तो वहाँ पर वो टेराकोटा सोल्जर्स के वो मिलते हैं, फेक मतलब मुजस्मे मिलते हैं, वो हमने भी एक दो ख़रीदे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जिस दहकान ने उनको डिस्कवर किया, अब वो पूरी दुनिया में मशहूर है, और वो दहकान वहाँ बैठा हुआ है, अब वो बहुत मुतमवल हो चुका है, और उसके आगे बहुत सारे तस्वीरी जो हैं रसाइल, जिनमें वो टेराकोटा आर्मी की डिटेल बयान की गई है रंगीन, वो पड़े हुए हैं, और किसी की कीमत जो है $40-50 से कम नहीं है। और उसकी पोतियाँ जो हैं वो फर फर अंग्रेजी बोलती, हर सैयाह को पकड़ती हैं, कहती हैं कि तुम देखना चाहोगे कि टेराकोटा आर्मी को किसने डिस्कवर किया था। अब ये बहुत अजीबोगरीब बात है ना कि भाई एक ऐसा मौजा, एक ऐसा वंडर दुनिया का, और वो शख्स मौजूद हो जिसने डिस्कवर किया हो, तो वो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल, तो बाबा जी वहाँ बैठे हुए हैं। और वो कहते हैं कि जी पहले आपने अगर मेरे से फ़ोटो उतरवानी है तो ये एक ख़रीदें। चुना जो वो $50 का एक लेते हैं वो अपना तस्वीरी किताब, उसके ऊपर बाबा जी के साथ दस्तखत करवा के और तस्वीर उतरवाते हैं। अब हमारे पास इतने डॉलर नहीं थे, चुना जी हमने एक साजिश तैयार की, मैं बाबा जी के पास गया तो मैंने उनको कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, आपका बड़ा मद्दा हूँ, ये है वो है। अब वो इंटरेस्टेड हुए, इस दौरान हमारी तस्वीरें खींच गई, इस तरह डेलीगेशन के एक दो और लोगों ने, उसके बाद उसकी पोसियों को खबर हो गई कि ये तो मुफ्त पर है,
चुनाचे उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप डॉलर अगर नहीं दे रहे तो आपकी तस्वीर नहीं खींची जा सकती। लेकिन टेराकोटा म्यूज़ियम को देख के मुझे एक ख्याल ज़रूर आया, और ख़वातीन और हज़रात वो ख्याल ये था कि हमारी जो बड़ी साइट्स हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, मेहरगढ़, ये खुली पड़ी है। और मोहनजोदारो के साथ तो ये भी है कि सियासी पार्टियों ने वहाँ जलसे किए और वहाँ मेखे गाड़ी और उसको बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल किया, यानी कोई लिहाज नहीं किया कि ये 6000 साल पुरानी साइट है और ये ख़राब हो जाएगी। और मौसमों का जो है तगैयर उसके ऊपर अब भी असरअंदाज हो रहा है, यानी वो दिन ब दिन उसके अंदर वो जो है उनकी ईंटें जो भुड़ रही हैं, और ऐन मुमकिन है कि 200-400 साल के बाद वो ख़त्म हो जाए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपके इतने फंड्स हैं और हर चीज़ में आप, जी हमारा कल्चर है 6000 साल पुराना है, मोहनजोदारो है, आप उसका ख्याल रखें, और उसके ऊपर जिस तरह टेराकोटा आर्मी म्यूज़ियम के ऊपर पूरा छत डाल दी गई है, पूरे मोहनजोदारो के ऊपर छत डाल दें ताकि वो हमेशा के लिए महफूज हो जाए। हड़प्पा जो ओरिजिनल है इन सब में से, यानी ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरकीब है, ये बाद में राइज हुई प्री पार्टीशन, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा से सब कुछ साक्षात ने जन्म लिया। और हड़प्पा के भी खंडर जो हैं कोई इतने ज़्यादा वसी नहीं है, उनको भी ढांपा जा सकता है। और उसके बाद मेहरगढ़ जो इनसे भी पुरानी तहजीब, उनके बलोचिस्तान में वो खंडर वैसे ही पड़े हुए हैं, तो क्या उनको ढांप कर उनको महफूज नहीं किया जा सकता ताकि आइंदा जो जनरेशन है, जिस तरह मैंने एक प्रोग्राम में अर्ज किया था कि जब हम शियान की तरफ जा रहे थे तो मुख्तलिफ माउंट्स हमने देखे रास्ते में, क्योंकि एयरपोर्ट काफ़ी दूर था, मुख्तलिफ माउंट्स थे। और मैंने वो चाइनीज़ इंटरप्रेटर से पूछा, खातून से, मैंने कहा कि ये क्या चीज़ें हैं? उन्होंने कहा जी इसके अंदर बादशाहों के मकबरे, 2-3 माउंट्स। तो मैंने कहा कि आप इनकी खुदाई क्यों नहीं करते? कहने के जी हम अगर इनकी भी खुदाई कर देंगे तो जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए क्या बचेगा, हम चाहते हैं कि वो ऐसा करें। तो आने वाली जो नस्लें हैं उनको बचाने के लिए मौजूदारों के, मतलब हड़प्पा के जो मेहरगढ़ खंडर हैं, इनको मतलब कि किसी न किसी तरह महफूज करना चाहिए ना। क्रोशिया में सबसे इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम, उसका नाम है टूटे हुए दिलों का म्यूज़ियम, और मैं तो नहीं जा सका वहाँ पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो म्यूज़ियम बहुत शानदार होता अगर वो पाकिस्तान में बनता, क्योंकि यहाँ अक्सर दिल टूटते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि पर स्क्वायर इंच जितने उशाक पाकिस्तान में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते, और टूटे हुए दिल जितने भी पाए जाते हैं। आप देखें ना कि भाई वो पुराने ज़माने से टखने देखे, आशिक हो गए, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बड़े आशिक हो गए, जंगलों की तरफ निकल गए। अच्छा, कहीं कोई दुपट्टा नज़र आ गया, वो कहते हैं ना कि एक साहब बैठे हुए थे एक झाड़ी के करीब, दुपट्टा उसके ऊपर था, तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे कभी तो बोलेगी। मतलब ये हालात हैं इस मतलब खित्ते के, कि आशिकी सरबर तलब और वगैरह वगैरह। तो वो अगर म्यूज़ियम यहाँ पे होता तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती, इसलिए कि सब अपने अपने दिल जो हैं टूटे हुए वो वहाँ तलाश करने जाते, हम भी देखते कि शायद हमारा भी दिल वहाँ पे पड़ा हो। लेकिन हमारे साथ मीर और गालिब, इकबाल, फैज़ जितने शायर हैं वो भी तो कुछ ना कुछ तलाश करते, क्योंकि उनके भी दिल टूट जाते हैं। और आप देखिए गाने जितने कि हाय दिल टूट गया और पता नहीं साथ छूट गया और इस दिल के टुकड़े हज़ार हुए, ये देखे ना क्रोशिया के म्यूज़ियम के बारे में गाया गया, इस दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, और उसके बाद गम दिए मुस्तकिल, इतना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना। और ग़ुलाम अहमद कासिर मेरे दोस्त से, उनके दो शेर मुझे बहुत पसंद हैं। एक तो ये है कि तुम यूं ही नाराज़ हुए हो, तुम यूं ही नाराज़ हुए हो, वरना हमने मैखाने का पता हर उस शख्स से पूछा था जिसके नैन नशीले थे। और उसका जो बहुत ही पॉपुलर शेर है और कमाल का शेर है कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल बंजर वाकया हुआ है जहाँ तक म्यूज़ियम्स का ताल्लुक है, यहाँ बहुत ही
इंटरनेशनली तौर पे अहम म्यूज़ियम यहाँ पे वाकई हैं। मसलन चकदरा में जो गंधारा आर्ट का म्यूज़ियम, आप उसको देखें, जो सबसे पुराने गंधारा के स्कल्पचर हैं वो चकदरा म्यूज़ियम में है। पेशावर म्यूज़ियम उन्होंने रीडू किया है और सुना है कि बहुत खूबसूरती से किया है, और उसमें भी गंधारा है और बाकी सिविलाइजेशन, और उसमें अशोक की वो डिबिया पड़ी है, डिबिया कह लें या कैस्केट कह लें, जो वहीं से दरियाफ्त हुई थी, अशोक आज़म की थी ओरिजिनल कैस्केट जो है वो वहाँ पे पेशावर म्यूज़ियम में है। इसी तरह मैंगोरा म्यूज़ियम जो है वो भी बहुत लाजवाब है। लाहौर के म्यूज़ियम के बारे में तो हमने बात की, इसके अलावा कलर कहार में फॉसिल्स का म्यूज़ियम, और दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि मोस्ट एंशिएंट फॉसिल्स कहा जाता है कि इस एरिए में पाए गए थे, और वो फॉसिल म्यूज़ियम बाकायदा मतलब डिस्प्ले है और आप उसको किसी भी वक्त देख सकते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम जो है उसका तज़किरा मैं भूल गया हूँ, वो है पुतली म्यूज़ियम। ये रफ़ी पीर के साहिबजादों ने बनाया और इसमें पुतलियों के साथ हिस्ट्री बताई जाती है और किस तरह वो रक्स करती हैं, और उन पुतलियों को देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आजकल सियासी हालात कैसे, मतलब आपको पता ही है कि डोर कौन खींच रहा है। तो आइंदा के लिए भी कुछ और म्यूज़ियम मेरे सेन में है, जिसमें सर फहरिस्त शायद होगा म्यूज़ियम ऑफ इनोसेंस, लेकिन जब हम इख्तिताम करेंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे पार्टीशन म्यूज़ियम के हवाले से, और ये एक मुजरमाना गफलत है कि अभी तक हमने पार्टीशन म्यूज़ियम कायम नहीं किया और हिंदुस्तान ने इस सिलसिले में काम शुरू कर दिया।